अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कंट्रोलर्स को डिस्कस करेंगे। एमवीसी के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये जो कंट्रोलर है सी जो है एंड में एमवीसी के, इस कंट्रोलर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। कंट्रोलर एज आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस दैट इट इज़ द बिजनेस लॉजिक इन आर एमवीसी एप्लीकेशन। हमारी एमवीसी एप्लीकेशन के अंदर बिजनेस लॉजिक का काम कर रहा होता है ये कंट्रोलर। बिजनेस लॉजिक किसको कहते हैं? बिजनेस लॉजिक कहते हैं जो भी आपके पैटर्न्स और क्राइटेरियाज और सिनेरियोज और पॉलिसीज आपकी कंपनी के अंदर आपके बिजनेस के अंदर चल रही होती हैं, उसी को आप जो उसी के जो आप इम्प्लीमेंट करते हो कोडिंग में, तो वो बिजनेस लॉजिक बन जाती है आपके पास। लेट्स से एक कंपनी के अंदर जो है वो बोनस साल में दो दफ़ा मिलता है, तो उनके पेरोल के अंदर साल में दो दफ़ा के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही होगी सॉफ्टवेयर में, उनके पेरोल के सॉफ्टवेयर में। इसी तरीके से एक कंपनी है उसमें तीन छुट्टियों पर एक दिन की जो है वो सैलरी कटती है, या एक कंपनी है जिसमें चार छुट्टियों पर एक दिन की सैलरी कटती है। तो हर कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं, तो उनके पेरोल के अंदर भी वही रूल्स अप्लाई होंगे ना। ऐसा थोड़ी है एक सॉफ्टवेयर जो किसी ने बनाया तो अब वो कंपनी हर कंपनी वही सॉफ्टवेयर चला रही है, लेकिन रूल्स जो है वो सबके अलग अलग हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बिजनेस लॉजिक इज़ द लॉजिक वेयर यू एंटर द बिजनेस क्राइटेरिया ऑफ योर एप्लीकेशन ऑफ योर बिजनेस। क्लियर है ये बात? तो कंट्रोलर वो जगह है जहाँ पर जो है वो आप ये काम करते हो। अब कंट्रोलर क्या चीज़ है? अगर मैं टेक्निकल नॉलेज की बात करूँ, कंट्रोलर इज अ क्लास एंड वी ऑल नो व्हाट इज अ क्लास। अ क्लास इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, इजंट इट? अ क्लास इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। तो मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोलर एक क्लास है। बात समझ में आ रही है? कंट्रोलर एक क्लास है, और ये कंट्रोलर क्लास की जो है वो एक पेरेंट क्लास होती है, इसीलिए इसको मखसूस कर दिया गया कंट्रोलर के नाम से। कंट्रोलर जब आप बनाते हो तो इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक क्लास इनहेरिट हो जाती है, वो कंट्रोलर क्लास खुद है। व्हेन यू क्रिएट अ कंट्रोलर क्लास इन एमवीसी एएसपी, तो फिर जो है वो आपके पास उस क्लास के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक पेरेंट क्लास लगी होती है जो कि खुद कंट्रोलर के नाम से होती है। ये बात याद रहेगी आपको। दूसरी बात, ये जो कंट्रोलर की क्लास पेरेंट बनी हुई है, इसकी भी एक पेरेंट क्लास होती है, और वो जो है वो कंट्रोलर बेस क्लास है। मे बी इट विल कम इनसाइड योर पेपर। ठीक है, ये जो बात मैंने अभी कही है आपसे, आप जो कंट्रोलर बनाते हो उस कंट्रोलर की पेरेंट क्लास कंट्रोलर क्लास खुद है, और जो कंट्रोलर क्लास है उसकी भी पेरेंट क्लास है कंट्रोलर बेस क्लास। आ रही है बात समझ में? कंट्रोलर जो आपने बनाया, आपने फर्ज कर लो एम्प्लॉई के नाम से कंट्रोलर बनाया, इस एम्प्लॉई की जो पेरेंट क्लास होगी वो खुद कंट्रोलर के नाम से क्लास है, और ये जो कंट्रोलर की क्लास खुद है इसकी भी एक पेरेंट क्लास है जो कि कंट्रोलर बेस क्लास है। ले रही है बात? ओके, लेट्स डेमोंस्ट्रेट नाउ। वी हैव आवर एप्लीकेशन हियर, और इस एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर आ रहा है, इस पर आप राइट क्लिक करें और ऐड और फिर कंट्रोलर। तो जैसे ही आपने कंट्रोलर सेलेक्ट किया तो मेरे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ गए यहाँ पर, कि मुझे एम्प्टी कंट्रोलर बनाना है, कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शंस, या फिर जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करते हुए मुझे कंट्रोलर बनाना है। मैंने कहा अभी मुझे एम्प्टी कंट्रोलर बनाना है भाई, ऐड। एक और चीज़ यहाँ नोट करें आप जितने भी कंट्रोलर बना लें एमवीसी के अंदर, कंट्रोलर एंड में सफिक्स्ड होगा। अगर आप चाहेंगे सफिक्स मींस नाम के एंड में हमेशा कंट्रोलर लिखा होगा। क्लियर है? एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब डॉक्टर अली या फिर इंजीनियर हम्माद, ये पहले लग रहे हैं प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है बाद में लगने वाला नाम। तो सफिक्स यहाँ पर जो है वो कंट्रोलर लाजमी होगा, यू कांट चेंज इट। अगर आप चाहेंगे तो भी नहीं होगा। क्लियर है ये बात? दिस इज द रूल इन एमवीसी, द कंट्रोलर नेम मस्ट एंड विद द कंट्रोलर कीवर्ड। ये कंट्रोलर जो लिखा हुआ है शुरू में, आप जो भी नाम दे दें, इज दैट क्लियर? अब यहाँ होम लिखा हुआ है, डिफॉल्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर होम लिख दें, भाई ये मेरा पहला कंट्रोलर जो है वो होम के नाम से होगा। सही है? ऐड। ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग का मतलब होता है ऑटोमेटिकली क्रिएट द नेसेसरी रिक्वायर्ड थिंग्स एंड फाइल्स टू रन द एप्लीकेशन। स्काफोल्डिंग
ये फीचर भी हम लोग आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि भाई स्टाफ फोल्डिंग किस तरह से होती है। क्लियर है ये बात? खैर, एज आई हैव डिस्कस्ड इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, मैंने कहा कि आपके पास होम जो है वो क्या है, आपका कंट्रोलर है, और कंट्रोलर मैंने क्या कहा था, एक क्लास है, और इस क्लास की एक पेरेंट क्लास है, और इस पेरेंट क्लास की भी एक पेरेंट क्लास है जिसका नाम है कंट्रोलर बेस क्लास। याद रहेगा ये कहां से उठ के आ रही है? system.web.mvc। इस नेम स्पेस की मदद से ये यहां पर चल रहा है। अगर ये ना होता तो ये भी ना चलता, ये डिटेक्ट ही नहीं करता कंपाइलर की ये क्या चीज है। क्लियर है ये बात? अब जरा यहां गौर करें, एक मेथड बना हुआ है, एक मेथड बना हुआ है, इस मेथड को कहते हैं एक्शन रिजल्ट या एक्शन मेथड। क्या कहते हैं? एक्शन मेथड। एमवीसी में आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यही मेथड्स, इसी तरह के मेथड्स बना रहे होते हैं या बना रहे होंगे। रिटर्न टाइप में अमूमन एक्शन रिजल्ट ही लिखा होगा और रिटर्न में व्यू ही रिटर्न हो रहा होगा, अमूमन ऐसा ही मेथड बनाओगे आप। क्लियर है ये बात? किस नाम से मेथड बना हुआ है? इंडेक्स के नाम से मेथड बना हुआ है। लेट्स गो टू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एंड नोटिस दैट वी हैड नथिंग इनसाइड दिस व्यू फोल्डर बिफोर क्रिएटिंग द कंट्रोलर, बट जैसे ही मैंने कंट्रोलर यहां बनाया तो फिर मेरे पास होम का एक फोल्डर भी मौजूद है। क्लियर है ये बात? ऑटोमेटिकली बन के आ गया, जिस नाम से आप कंट्रोलर बनाओगे उसी नाम से एक व्यू के अंदर फोल्डर भी बना हुआ आ गया है। एनी प्रॉब्लम? अब बात सारी ये है कि इस कंट्रोलर दरअसल दरमियान का है, कंट्रोलर के ऊपर व्यू होता है, कंट्रोलर के नीचे मॉडल होता है। एमवीसी जो है कंट्रोलर बीच में है, ऊपर व्यू है यूजर इंटरफेस और नीचे मॉडल है डेटाबेस। तो फिलहाल हम डेटाबेस को तो नहीं देख रहे, इस कंट्रोलर को चलाने के लिए अब मामलात करने हैं हमने कि ये क्या फ़ायदा, इसको चलेगा कैसे। कंट्रोलर का एक काम ये भी है, कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द यूजर इंटरफेस इनपुट्स एंड प्रोसेस इट एंड सबमिट इट टू द एप्रोप्रिएट एक्शन मेथड्स एंड देन दैट एक्शन मेथड्स विल पास द रिक्वायर्ड डेटा टू द मॉडल। कंट्रोलर का काम एक ये भी है कि भाई जो रिक्वेस्ट आई है आपके पास, उस रिक्वेस्ट को लिया और एप्रोप्रिएट एक्शन मेथड को पास कर दिया। अरे ये बात समझ में? भाई रिक्वेस्ट आई है इंडेक्स का एक्शन मेथड चलाओ, तो इंडेक्स का एक्शन मेथड इस पूरे कंट्रोलर में जहां होगा वो एक्शन मेथड चल जाएगा। सही है? अब इस एक्शन मेथड में होगा क्या, ये एक्शन मेथड रिस्पॉन्सिबल है कि इसके अंदर जो व्यू है उसको लाया जाए। ये एक्शन मेथड जो यहां इंडेक्स के नाम से बना हुआ है, इस एक्शन मेथड के अंदर वो नेसेसरी कोडिंग हो रही होगी जिसके जरिए आपके पास कैलकुलेशंस जो भी आपने करवानी है और जो व्यू आपने दिखाना है वो इस एक्शन मेथड के जरिए दिखेगा। जो वेब पेज आपका ब्राउजर पे दिखना है ना, वो इसी एक्शन मेथड के जरिए दिखेगा। क्या रिटर्न कर रहा है ये व्यू, क्या चीज है? यूजर इंटरफेस। लेकिन अभी तक हमारी एप्लीकेशन में कोई व्यू मौजूद नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा व्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कंट्रोलर है, कंट्रोलर में बाय डिफॉल्ट एक एक्शन मेथड है, इसकी रिटर्न टाइप जो है वो एक्शन रिजल्ट के नाम से है। और एक्शन रिजल्ट क्या चीज़ है? ये एक ऐसी क्लास है जो कि वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करती है अपने पास। पूरा का पूरा व्यू भी आप इसमें रिटर्न करवा सकते हो, कोई मखसूस चीज़ भी इसमें रिटर्न करवा सकते हो आप, जेसन रिजल्ट, एग्जामल रिजल्ट, अलग अलग तरीके के रिजल्ट यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हो आप, ये एक्सेप्ट करेगा। जिस तरह स्ट्रिंग अगर यहाँ लिखा होता तो स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट होता ना। तो एक्शन रिजल्ट एक ऐसी क्लास है जिसमें वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स कैन बी एक्सेप्टेड। फिलहाल यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है? व्यू रिटर्न हो रहा है, लेकिन व्यू हमारे पास कोई है ही नहीं, तो अब व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने का तरीका क्या है? कंट्रोलर के साथ, कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड के साथ। अगर मेरा ये इंडेक्स का एक्शन मेथड है और इसके साथ मुझे एक व्यू बनाना है तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। सही है? आई हैव राइट क्लिक इनसाइड माय एक्शन मेथड इंडेक्स एड व्यू। देखो एमवीसी के अंदर एक बात ये भी है, एक फीचर ये भी है, एमवीसी सेम नाम पे बड़ा चलता है, सेम नाम पे बड़ा चलता है एमवीसी।
इसने व्यू का नाम बाय डिफॉल्ट क्या लगाया, देखें क्यों इंडेक्स लगाया, क्योंकि मेरे एक्शन मेथड का नाम भी इंडेक्स है। जिस नाम से कंट्रोलर बना था उसी नाम से व्यू के अंदर फोल्डर होम के नाम से बना, सेम नाम वो काफी जो है वो एमवीसी जो है यूटिलाइज कर रहा होता है। क्लियर है ये बात? तो भाई यहां पर ये जो मैं व्यू बना रहा हूं इसका नाम इंडेक्स ही रखना है फिल वक्त आपने, क्योंकि इंडेक्स अगर आप नहीं रखोगे कुछ और नाम रखोगे तो फिर आपको यहां पर ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो व्यू खुलवाना है उसका नाम ये है। अगर सेम नाम होगा तो ऑटोमेटिकली यही वाला व्यू खुलेगा, मतलब वेब पेज। इज दैट क्लियर? सेम नाम होना चाहिए। टेम्पलेट, अभी मुझे कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना, ना मुझे इसको पार्शियल व्यू बनाना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे पार्शियल व्यू क्या चीज़ होती है, और ना ही मुझे इस पर कोई मास्टर पेज लगाना है। बस आप सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग्स देखकर और ऐड कर दें इसको। लुक, मैंने आपसे बताया था कि जब एक व्यू बनता है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है .cshtml, और यहाँ देखें इंडेक्स के नाम से एक व्यू बन चुका है मेरा जिसमें बाय डिफॉल्ट एक h2 का टैग आ रहा है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये मैं अभी इसको जो है वो एक सतही तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेजर सिंटेक्स के जरिए कुछ काम लिखा हुआ है यहाँ पे, रेजर सिंटेक्स भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। रेजर सिंटेक्स का मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ। इट इज़ अ सिंटेक्स डेट हेल्प्स यू टू इनकॉर्पोरेट योर सी शार्प कोड इनसाइड योर एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है भाई, आप एचटीएमएल के अंदर सी शार्प का कोड इस रेजर सिंटेक्स के जरिए यूटिलाइज कर सकते हो। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम इसको भी डिस्कस करेंगे, फिल वक्त अभी मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल हमारा फोकस ये है कि हमने एक व्यू बनाया है, यहाँ पे याद रहेगा व्यू बनाया, इस व्यू के अंदर आप लिख दें वेलकम टू माय फर्स्ट एमवीसी पेज। ठीक है, इसको सेव कर लें, इसको क्लोज करें और इसको भी क्लोज कर दें। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएं, सबको बंद कर दो। यहाँ देखें ज़रा, आ गया भाई होम के अंदर ऑटोमेटिकली इंडेक्स। ये होम जो मैंने बनाया था, ये होम क्या है, मेरा कंट्रोलर। उस कंट्रोलर के एक्शन मेथड के अंदर इंडेक्स का एक्शन मेथड था, मैंने इंडेक्स के नाम से ही व्यू बनाया यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है सब लोगों को ये? अब बात करते हैं कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये इंडेक्स मेथड कैसे खुलेगा, पहला पेज वेबसाइट का पहला पेज कैसे खुलेगा। तो पहले तो इसको आप वैसे ही रन करके देखो क्या होता है, ज़रा देखें आप। जो चीज़ एक एक फाइल ही मौजूद थी, बस एक दो फाइल ही मौजूद थी। एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। ये देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल अभी एक कंट्रोलर बनाया है और उस कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड मौजूद था। उस एक्शन मेथड के अंदर मैंने व्यू बनाया और अपनी अपनी एप्लीकेशन को चला दिया, मैंने कोई URL नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये ऐसा क्यों हुआ? कुछ होना चाहिए ना यार। मैं कुछ URL, मैंने PHP पहले पढ़ी है, मैंने ASP पढ़ी है, मैं पूरा पाथ तो आता ही है ऊपर, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सर्वर नेम लिखा हुआ है लोकल होस्ट एंड XYZ पोर्ट नंबर। ये किस वजह से हो रहा है? ये डिफॉल्ट रूट की वजह से हो रहा है। MVC का जो पूरा का पूरा पैटर्न है ये राउटिंग के ऊपर चल रहा होता है, और राउट जो है वो आप कैसे करते हो वो ज़रा देखो। भाई कंटेंट के अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप और ये मिन वाली बूटस्ट्रैप पहले से मौजूद है, सही, और लगी हुई भी है वो। एक बात अच्छा, ये सवाल आया था इसलिए मैंने ये बताया, इसको तो साइड पे करें। अभी जो हमने डिस्कस करना था वो रूट था, तो ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट के अंदर देखें RouteConfig.cs फाइल आ रही है, ये भी एक क्लास है, इसको आप खोलें ज़रा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक क्लास बनी हुई है, इस क्लास के अंदर एक मेथड बना हुआ है और उस मेथड के अंदर जो है एक रूट डिफाइन हुआ हुआ है, ये रहा। इस रूट में क्या लिखा हुआ, ये रूट क्या चीज़ है, रूट्स ये इसका पैरामीटर है रूट कलेक्शन क्लास का। ये बनी बनाई क्लासेस हैं जो कि यूज हो रही हैं यहाँ पे। रूट्स डॉट मैप रूट, रूट का नाम रखा है इन्होंने डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट जो पेज खुलना है इन्होंने डिफॉल्ट रखा है। यू कैन चेंज द नेम ऑफ दिस रूट, कोई भी नाम रख लें आप, फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट, थर्ड रूट,
यू कैन ऐड एज मैनी रूट एज यू वॉन्ट, अलग अलग तरीके से, सही है भाई? आप एक से ज़्यादा रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जिस तरह ये रूट ऐड हो रही है इसी तरह एक और रूट भी ऐड हो सकती है अलग पर्पज़ के लिए। खैर वो भी डिस्कस करते हैं। आपकी रूट का नाम है डिफ़ॉल्ट, ये जो रूट है इसके अंदर जो URL आएगा वो इस तरतीब से आएगा, पहले आप कंट्रोलर का नाम देंगे सर्वर के बाद, फिर आप एक्शन मेथड का नाम देंगे, और फिर अगर उसमें कोई डेटा है तो वो डेटा देंगे, सही है? यहाँ पर पैटर्न बता रहे हैं कि आपका ब्राउजर URL इस तरह से एक्सेप्ट करेगा अगर इस तरतीब से दिया होगा, क्लियर है ये बात? और यहाँ देखें डिफॉल्ट्स में क्या लिखा है, होम का कंट्रोलर, और एक्शन मेथड में क्या लिखा है, और आईडी में लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है, ये जो तीसरी चीज थी ये, दिस इज योर डेटा जो कि हम पास करवाएंगे बाद में, अभी इसको छोड़ दें, फिलहाल आप रूट को देखें किस तरह से आपने URL देना है, इस तरतीब से देना है, और डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, होम कंट्रोलर अभी हमने बनाया था, और इंडेक्स का एक्शन मेथड हमारे पास बना हुआ था, उसके अंदर हमने व्यू बनाया था, व्यू को यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, व्यू हमारा एक्शन मेथड के अंदर है, और यहाँ एक्शन मेथड का नाम आ रहा है इंडेक्स, ये जो मेरा एक्शन मेथड था दिस वन, ये यहाँ लिखा हुआ है। बस ये दिखाने का मकसद ये है कि ये डिफॉल्ट रूट है जो आपने होम और इंडेक्स का बनाया है, ये डिफॉल्ट रूट है, इस वजह से ब्राउजर के ऊपर आपको कुछ लिखना नहीं पड़ा, ये बात क्लियर है? लेट अस क्रिएट अनदर कंट्रोलर, फिर मैं आपको चेंजेस दिखाता हूँ, फिर अब क्या होता है वो देखें ज़रा। हम एक और कंट्रोलर बनाते हैं, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, MVC कंट्रोलर, एंड लेट्स से अबाउट के नाम से, आई हैव क्रिएटेड अनदर कंट्रोलर विद द नेम अबाउट। इसके अंदर भी एक्शन मेथड कौन सा है भाई, इंडेक्स है। मैं इस इंडेक्स के साथ साथ, आप इसको हटाना चाहें हटा सकते हैं वैसे, मसला नहीं है, मैं एक और एक्शन मेथड बना रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ ABOU उलट से, क्योंकि अबाउट अगर लिख दूंगा तो फिर अबाउट यहाँ पर और भी है मिस, वो नाम जो है वो सेम हो जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर कोई भी नाम रख दें फिलहाल, या AB रख लें चले बस, ठीक है? इस AB के ऊपर मैं राइट क्लिक करके एक व्यू ऐड कर रहा हूँ, आगे AB के नाम से ही, क्योंकि सेम नाम होता है, आप बस ऐड कर दें इसको, आ गया मेरा वैसे ही व्यू ab.css.html, और इसके अंदर मैं AB के बजाय लिख देता हूँ दिस इज माई अबाउट पेज, होप एवरीथिंग इज फाइन, सेव, ये हो गया। अब आप इसको रन करें दोबारा, तो जो व्यू खुला हुआ होता है वही URL ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, सही है? ये खुल जाए तो फिर मैं आपको चेंजेस बताता हूं। अब जरा इस URL में गौर करें ना आप, अबाउट क्या चीज है, कंट्रोलर, AB क्या चीज है, एक्शन मेथड, इस एक्शन मेथड के अगेंस्ट जो व्यू होगा वो उठ के आ रहा होगा। ये MVC में URL लिखने का पैटर्न है, समझ में आ रही है चीजें या नहीं? यहां पर देखें आप, ये मिटाएं, एंटर कर दें, तो मैं अपने डिफॉल्ट वाले पे आ गया जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर था। अब मैं यहां फॉरवर्ड स्लैश लगा के सिर्फ अबाउट भी लिखता हूं, सॉरी, लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश, अगर मैं सिर्फ यहां अबाउट भी लिख देता हूं, अबाउट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, ए कैपिटल था, नहीं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कंट्रोलर नेम है, मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, अबाउट ही है, इसको चलना चाहिए, वेट, अच्छा हाँ वो इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है ना वो इंडेक्स का व्यू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है वो इंडेक्स का व्यू होता है, मैंने इंडेक्स तो दिया नहीं, मैंने तो AB के नाम से अलग से ही बनाया था, इस वजह से वो नहीं उठा रहा। समझाने का मतलब ये है कि भाई ये देखो फॉरवर्ड स्लैश, अगर मैं यहाँ सिर्फ होम लिख देता हूँ, अच्छा मैंने एक तो एप्लीकेशन बंद कर दी है, रुक जाए,
इसको हटाएं यहाँ से, अब यहाँ पे होम लिखें सिर्फ, देखें। तो सिर्फ जब कंट्रोलर का नाम देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो उसका इंडेक्स का एक्शन मेथड होता है वही उठ के आता है, क्लियर है ये बात। और मैं अगर यहाँ पे अबाउट लिख रहा हूँ तो ये इस वजह से कह रहा है कि इंडेक्स तो कहीं मिल ही नहीं रहा उसको, क्योंकि इंडेक्स का कोई व्यू तो हमने बनाया ही नहीं है अबाउट वाले कंट्रोलर में। समझ में आ रही है बात? इसको इसका व्यू भी बना लें अब आप, इसको स्टॉप करें और अबाउट कंट्रोलर में आएँ, इंडेक्स के एक्शन मेथड में आएँ, इसका कोई व्यू नहीं है। राइट क्लिक, एड व्यू, और इंडेक्स के नाम से ही इसको बना लें। ये व्यू आ गया, दिस इज अबाउट इंडेक्स व्यू, सही है। ऐसे ही मैंने सिर्फ मैसेज लिखा था कि आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो, सेव करवाएं, चलाएं। अब मैं अबाउट के इंडेक्स को हटा देता हूँ, सिर्फ अबाउट खोलता हूँ। अब सिर्फ कंट्रोलर का नाम देने से उसका डिफॉल्ट इंडेक्स का एक्शन मेथड उठ के आता है, क्लियर है ये बात। ये देखो, अगर आप यहां पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के ए बी लिख दें अब, तो ए बी वाला एक्शन मेथड आ गया, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है, क्लियर है ये बात। इसी तरह से अगर अब मैं यहां से इन सबको हटा दूं तो मेरे पास जो है डिफॉल्ट आ जाएगा। ये राउटिंग बता रहा हूँ मैं आपको, किस तरह से एमवीसी राउट कर रहा होता है यूआरएल्स को। जी, जाहिर सी बात है अलग अलग व्यू है तो अलग अलग डिजाइनिंग ही करोगे उस पर, अलग अलग उस पर कंटेंट होगा। तो व्यू आपका यूजर इंटरफेस है ना, यूजर इंटरफेस पे ही तो काम होता है वेबसाइट में। बिजनेस लॉजिक पीछे बैकएंड पे काम कर रही होती है, और डेटाबेस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डेटाबेस भी फिर इन्वॉल्व होगा। मॉडल से जो है वो डेटाबेस उठ के आएगा बिजनेस लॉजिक पे, बिजनेस लॉजिक फिर व्यू पे भेजेगी और व्यू उसको डिस्प्ले करवाएगा आपके लिए। तो एमवीसी जो है वो इन तीन टुकड़ों पे काम कर रहा होता है, व्यू, कंट्रोलर और मॉडल, क्लियर है ये बात। कंट्रोलर के एतबार से कुछ सवाल पूछना है, कंट्रोलर बना लेंगे अब आप लोग, और एक्शन मेथड सही है, और उसके साथ व्यूज, हर उसका एक्शन मेथड का अपना व्यू होगा मौजूद, क्लियर है ये बात। एक चीज़ और देख लें ज़रा, अब फर्ज कर लें ये मेरा होम का कंट्रोलर है, इसके अंदर मैं कोई और व्यू खुलवाना चाहता हूँ, इंडेक्स का नहीं खुलवाना चाहता भाई, तो डिफॉल्ट जो नाम रखा था वही वाला व्यू खुल रहा है ना, लेकिन आप अदर देन द डिफॉल्ट व्यू खुलवाना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर पाथ दे दें जिस व्यू का आप खुलवाना चाहते हो, ठीक है। तो अब आप लेट से यहाँ पर आ जाएं, अबाउट के अंदर व्यूज़ के फोल्डर में, अबाउट के फोल्डर में ए बी डॉट सी एस एस टी एम एल खुलवाना चाहते हो, तो यहाँ आप लिखोगे टिल्ड फॉरवर्ड स्लैश व्यूज़ के फोल्डर में, अबाउट के फोल्डर में क्या नाम है मेरे, ए बी डॉट सी एस एस टी एम एल, सेव। अब ये कहाँ रिटर्न करवाया मैंने, होम वाले कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स का एक्शन मेथड है, जब वो चलेगा तो ये व्यू रिटर्न करेगा डिफॉल्ट के बजाय। चेक करते हैं, मेक श्योर के पाथ करेक्ट हो, पाथ में थोड़ी भी मिस्टेक होगी तो फिर वो एरर दे देगा। लुक, तो अब मेरे पास कस्टमाइज व्यू, कोई और व्यू में दिखाना चाहता हूँ मैं, डिफॉल्ट व्यू नहीं दिखाना चाहता, तो मैंने पाथ दे दिया उस व्यू का, क्लियर है ये बात। सब लोगों को समझ में आ गई है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को देखिएगा बार बार और इसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा प्लीज़, ठीक है।